अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जहां पे वोट डालना था भारत ने यूक्रेन के लिए और नहीं किया, उसकी क्या वजह आप समझते हैं चीज? देखिए, इंडिया की पॉलिसी और न केवल इस गवर्नमेंट में, इससे पहले भी बहुत ही क्लियर रही है, वो नॉन अलाइनमेंट वाली रही है। तो किस कभी भी हम मॉस्को टेबल पर या फिर वॉशिंगटन टेबल की तरफ हम नहीं झुकते हैं, और ये बहुत क्लियर रहा है। तो इंडिया ने एब्स्टेन किया है, ना ही वोट किया फॉर या है ना ही अगेंस्ट किया। तो 10 मेंबर की ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो उसमें इंडिया भी एक 10 में से एक हिस्सा है। तो 3 लोगों ने एब्स्टेन किया, दो जो परमानेंट मेंबर्स है रशिया और चाइना, उन्होंने अगेंस्ट में वोट किया। सो इंडिया पॉलिसी हैज बीन प्रीटी क्लियर कि हम चाहे अमेरिका हो या रशिया, और केवल इस मुद्दे पर नहीं है, आप किसी भी मुद्दे पर आप उठा के देख लीजिए, इंडिया बिलीव्स इन गोइंग फॉर व्हाट सूट्स एंड व्हाट फेवर्स इंडिया। हम कभी भी ये दोस्ती यारी में कि ये इससे दोस्ती कर ले या उससे दुश्मनी कर ले, जो कि आपको पाकिस्तान की पॉलिसी में कई बार ये हाईलाइटिंग पॉइंट दिखाई देगा कि हम इसके दोस्ती के साथ में चले जाते हैं, उसके दोस्ती के साथ में चले जाते हैं, और वही दोस्त आपको सपोर्ट नहीं कर पाते। हमने मलेशिया देखा है, हमने ईरान देखा है, हमने टर्की देखा है। जब जरूरत पड़ी है, ये कंट्रीज इंडिया के साथ में आ गए हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। एंड देयर वाज अ टाइम 2-3 साल पहले की मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा एकदम कि टर्की के साथ में ये है, हम मलेशिया के साथ में, ईरान ऐसा वैसा, हम नहीं करते हैं। आप यूएस और ईरान के भी इशू को देखिए, इंडिया ने बहुत ही न्यूट्रल पोजिशन लेके रखी थी, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो हम करते हैं। S-400 की बात है जो यूएस और रशिया के बीच में, इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बड़ा इशू बना हुआ है। इंडिया को जब लेना था, इंडिया ने लिया, और एक नहीं 5 बैटरीज ली S-400 की। यूएस मना करते रह गया, आज भी धमकी देता है कि हम सैंक्शन कर देंगे और इस तरह की कर दीजिए। इंडिया के फेवर में ऐसा नहीं कि हम न्यूट्रल होना और चुप होना ही हमारी खासियत है, इंडिया के फेवर में जो होगा वो हम करेंगे, और उसके लिए बाय एंड लार्ज नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी वो हम इंडिपेंडेंस टाइम से देख रहे हैं, नॉट जस्ट मोदी गवर्नमेंट, इससे पहले भी जितनी भी गवर्नमेंट्स रही है, बाय एंड लार्ज सभी ने नॉन अलाइनमेंट को फॉलो किया है, एंड इट इज वर्क फॉर इंडिया वेरी वेल। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यही बात लेके मैं फखर आपकी तरफ चलूंगी, आपका जैसे लास्ट कमेंट आपका, उसके बाद आशीष की तरफ लास्ट कमेंट के लिए, कि जैसे उन्होंने बताया कि ईरान के साथ भी टर्म्स बेहतर जा रहे हैं इंडिया के, और दूसरी कंट्रीज के साथ भी हम देखते हैं, चाहे इसराइल हो चाहे सऊदी अरब हो, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया उस तरह से लोन नहीं उठा रहा या कभी नहीं लिया जैसे हम लेते हैं। तो आपको क्या लग रहा है फखर, कि हम कहाँ पे जाके हम भी कुछ सही हो सकते हैं, हमारी भी जो साथ में जो कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि चाइना तो जिस तरह से जगह हम उसे देते जा रहे हैं कि मोटरवेज भी ले लो और एयरपोर्ट भी ले लो, ये ले लो, ये चीज कब तक पाकिस्तान कर पाएगा? आपकी एक बात बिल्कुल ये सही है कि जब हम कहते हैं कि यार हम मतलब प्रोग्रेस करें, लोग मतलब हमें भी सीरियस लें, पूरी दुनिया में लिया भी जाता रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब शुरू से पाकिस्तान ऐसा था। 47 में जब बना था कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रोग्रेस किया पाकिस्तान ने। बट क्या चीजें हुई, जब पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हुआ करते थे, इस्लामाबाद के फैसले इस्लामाबाद में हुआ करते थे, या उस वक्त कराची था हमारा कैपिटल, लेकिन जैसे जैसे हमारे फैसले उठकर रियाद में होने लगे, कुछ लोग जो प्रो ईरान है वो तेहरान की तरफ मतलब टिल डाउन हुए, और एक तीसरा ग्रुप हमारा है यूएस का। तो जब ये तीनों लोग मतलब ये देखते हैं कि यार अमेरिका का इंटरेस्ट किस में है, हमने उसको प्रोटेक्ट करना है, बैठे हुए यहाँ पे, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, और यकीनन आशीष भी जर्नलिस्ट है, उनको भी पता होगा, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए इस वक्त भी। फिर प्रो ईरान लॉबी है हमारे पाकिस्तान में, वो भी यकीन करें कि मैंने ऐसी ऐसी चीजें मतलब पढ़ी और देखी हैं पार चिनार और वहां पर, कि मैं मतलब हैरान हुआ हूं मैं, ये चीजें ठीक है, सुन्नी शिया और ये पता नहीं क्या क्या ड्रामे मतलब चलते रहते हैं, ये हुआ। फिर आपने कहा कि लोन, बिल्कुल सही है। आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं कहता हूं कंट्रीज को छोड़ दें, हम अपने पेरेंट्स से अगर मुसलसल यही करते रहेंगे कि अपने पेरेंट्स उन्होंने कमाया या कमा रहे हैं और हम उनसे ले रहे हैं और अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपनी अयाशियां लगी हुई हमारी, वो कब तक हमें देंगे? मतलब हो सकते हैं 18-20 साल तक, हो सकते हैं 25 ईयर तक, जब 25 साल तक बंदा पहुंचे कहेगा यार ठीक है चलो देते रहो, यार बच्चा है, माँ बाप के लिए तो वैसे बच्चा होता ही है, लेकिन वो कहेगा नहीं बस भाई इनफ इज इनफ, हमारे पास और नहीं है कि सारी जिंदगी मतलब हम तुम्हें खिलाते रहे। तो अगर अपने पेरेंट्स नहीं खिला सकते, तो आप कैसे ये सोचते हो कि अमरीका आपकी की जिम्मेदारी लेगा?
रियाद आपकी जिम्मेदारी लेगा, तेहरान आपकी जिम्मेदारी लेगा, बीजिंग आपकी जिम्मेदारी लेगा, इस्तांबुल आपकी जिम्मेदारी लेगा, या फिर कुआलालंपुर आपकी जिम्मेदारी लेगा, क्यों? और इसके अलावा आरजू एक चीज ये है कि मतलब जो पॉलिटिकल लोग, मैं कहता हूँ पॉलिटिकल लोगों में सौ मसले होंगे, हमारी डेमोक्रेसी बहुत वीक है, इसमें कोई शक नहीं है, मतलब ना होने के बराबर, लेकिन अगर वो इन प्रोसेस चलती रहे, उसके अंदर इंटरफेरेंस ना हो, पिंडी का जो पावर हाउस है वहां से फैसले ना आके और यहाँ पे मुसल्लत हो, तो यकीन करें हो सकते कहीं ना कहीं हम स्टैंड कर जाएं। और साथ में ये चीज कि उनको भी कहा जाए कि सर मतलब आप भी इस मुल्क में हैं और हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, अगर आप ये मतलब डिमांड्स करते रहेंगे और हम चलो एक हद तक, मैंने कहा ना एक बच्चे की पेरेंट्स जो है वो डिमांड्स पूरी करते रहेंगे, लेकिन एक लिमिट आएगी कि उसके बाद वो कहेंगे भाई बेटा हमारे पास तो अब नहीं है कुछ भी, क्या करने, आपने क्या मारना है हमें। यही इस वक्त हमारे पाकिस्तान की पोजीशन हो चुकी है कि अवाम इस पोजीशन पे पहुंच गई है कि वो कहते हैं अब बेटा जी हमारे पास नहीं है, वैसे वो बेटा जी नहीं है लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि भाई इनफ इज इनफ। इस वक्त मतलब एक एक जीएचक्यू से लेटर आता है कि यार 50% रिबेट में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, क्यों मैं वही यूनिट 40 रुपीज का लूं और उसको वो 15 रुपए का मिले, वजह क्या है, मुझसे एक एक चीज के ऊपर टैक्स लिया जाए, कोई चीज ना छोड़िए, कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, मुझसे उस पर वो कहे कि जी आप टैक्स दो, उनके लिए जी इम्पोर्ट होनी है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, उनकी जो कंपनीज के लिए माल आता है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तकरीबन 300 अरब रुपए का टैक्स उन्होंने 2 साल पहले यूनेस्को की रिपोर्ट आई थी उन्होंने कहा था, यूएनडीपी की सॉरी, उन्होंने कहा था कि यार ये 300 अरब का टैक्स जो है ना उन्होंने उसका मतलब एग्जम्पशन ली है। यार आप कब तक इस तरीके से कंट्रीज को, ना घर इसी तरीके से चल सकता है, ना मुल्क चल सकता है, ना कोई खानदान चल सकता है और कोई जगह नहीं चल सकती जब तक ये चीजें नहीं होंगी। और हम बेशक जिसके मर्जी जितना मर्जी इस पे बहस मुबाहसा करें और जितना मर्जी इसके लिए किसी रिस्पॉन्सिबल किसी और को ठहराएं, एट द एंड बात यहीं पे आके रुकती है कि जिम्मेदारी हम लोगों की है, हम ही अगर हमने खराब किया है तो हम ही इसको ठीक करेंगे, वरना यही मतलब चलता रहेगा और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि लीबिया की एग्जांपल हमारे सामने है, सीरिया की एग्जांपल हमारे सामने, ये सारी चीजें ऐसे नहीं हुई, इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल था वहां पर। इधर इस वक्त पाकिस्तान में भी आपकी फौज, में कहता हूँ ना मतलब पाकिस्तान की फौज क्या, मैं कहता हूँ अमरीका की फौज क्यों ना हो, कि एक एक मतलब जिसे कहते हैं कि एक आदमी के ऊपर तकरीबन कोई $2-3 लाख एनुअली वो स्पेंड करते हैं, उनकी फौज क्यों ना, वो भी नहीं कंट्रोल कर सकती। जब तक आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग ना हो, अमेरिका की सिर्फ फौज स्ट्रांग नहीं है, उनकी इकोनॉमी पहले उसके बाद फिर उनके मतलब उनके बहरी बेड़े तो कभी उनको चाइना हाउस में भेज देते हैं, तो कभी जाके वो आज कल यूएई वालों को कह दिया कि भाई हम आपके हेल्प के लिए आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास इतनी इकोनॉमी इतनी मजबूत है कि वो दुनिया के ऊपर रूल कर रहे हैं, बातों से नहीं होता। और न सिर्फ एटम बम अगर आपने बना दिया तो आपने दावा कर लिया कि भाई हम न्यूक्लियर पावर बन गए तो आपका सारा कुछ सही हो गया, ना न्यूक्लियर से होता है जब तक आप सीरियसनेस शो नहीं करते और काम नहीं करते अपनी इकोनॉमी को सही करने के लिए। यकीन करें कुछ भी कर लें, एक एटम बम तो क्या, मैं कहता हूँ 2000 एटम बम आपके पास क्यों ना हो, क्या करेंगे, करेंगे चाटेंगे खाएंगे जब आपके पास कुछ और। अगर अभी तो इनके एटम बम जो इन्होंने बनाए जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसके ऊपर भी बात होती रहती है कभी किसी कंट्री के लिए कभी कहीं। लेकिन लास्ट में आशीष मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आप लोगों ने वोटिंग नहीं की यूक्रेन के लिए, तो उससे आप ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के साथ आपके टर्म्स खराब होने लगे हैं, वो नाराज हो जाए और कोई इस तरह की बात, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं, इंडिया से एक दो दोस्तों से मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि हो सकता है कि अमेरिका इस पर कुछ नाराज हो जाए भारत से। अभी इतना इंडिया वीक नहीं है कि इस तरह के इश्यूज पर किसी भी बड़े कंट्री के साथ में या फिर छोटे कंट्री के साथ में कोई रिलेशन खराब हो जाए। और डिप्लोमेसी में हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा गिव एंड टेक होता रहता है और समय समय की बात है, जिसको जिस कंट्री को जिस समय जो सूट करता है वो करता है, बस आपके अंदर वो मजबूती होनी चाहिए। वन क्विक पॉइंट आई वांट टू यू नो टेक इट फॉरवर्ड जो फकार ने कहा, देखिए लॉबी होना किसी भी कंट्री के अंदर किसी रीजन को लेके वो इतना डेट्रीमेंटल नहीं होता है, वो इनफैक्ट अगर आप अच्छे से आपकी कंट्री ग्रो कर रही हो तो वो बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन वाला भी एक एडिशन करता है। यूएस में भी चाइना वाली लॉबी है, यूएस में भी रशिया वाली लॉबी है, मॉस्को में भी यूएस वाली लॉबी है, मॉस्को में भी बीजिंग वाली लॉबी है, इंडिया में भी यूएस पाकिस्तान वाली लॉबी है, बहुत सारे लॉबीज अपनी जगह पर है, कहीं पर वो वैलिड है कहीं पर वो ग्रे एरिया में है, दैट डजंट मैटर। इसीलिए मैंने जो प्रकार जो बात कही ना कि उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ। इशू ये नहीं है कि पाकिस्तान के डिसीजन
मिडल ईस्ट में या फिर किसी और कंट्रीज में लिए जाने लगे, वो इशू बना। इशू ये बना कि पाकिस्तान के डिसीजन इस्लामाबाद के बजाय रावलपिंडी से लिए जाने लगे, दैट्स वेयर द इशू इज। और जब आप देखिए, इट्स नॉट अबाउट द साइज ऑफ द कंट्री। बहुत सारी कंट्रीज है जो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत छोटी होके भी अच्छे से ग्रो कर रही है। बांग्लादेश का हमने एग्जाम्पल दिया, भूटान को भी आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। लोन तो आप यही मान लीजिए कि लोन जब आपको कोई देने आ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे बहुत ज्यादा लंबा विजन रख के आ रहा है। श्रीलंका भी बहुत खुश हो रहा था कि हमें लोन लेंगे, ये सीपेक का ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आप देखिए उनकी हालत बहुत खराब है और भी अब आगे खराब होने वाली है। सो दैट इज वेयर द इशू इज कि आप जब लोन लेने के लिए जाएंगे ना, आप उस रैपिड डिक्लाइन पर रहेंगे जहां से आपको वापस आना बहुत ही मुश्किल होगा। मुझे लगता नहीं है आरजू अल्फकार कि पाकिस्तान में, चाहे वो इकोनॉमिकली देखिए, पॉलिटिकली देखिए या फिर सोशली देखिए, इस बात की क्लैरिटी भी है ये कि अब आए कैसे इससे बाहर। सिचुएशन की रियलाइजेशन शायद कुछ खेमे में आपके सोसाइटी में, चाहे मीडिया हो या बाकी जगहों पर, रियलाइजेशन हो सकती है कुछ लोगों में, वो भी फुल्ली नहीं है, कि हम कितने बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ये रियलाइजेशन शायद कुछ खेमे में है, लेकिन मुझे दूर दूर तक पाकिस्तान के किसी भी वर्टिकल में ये प्लान नहीं दिखता है कि करना क्या है। अब जो है सो है, जो हो गया सो हो गया, आगे 22 में क्या करें, 23 में क्या करें, 25 का प्लान क्या है, 30 का प्लान क्या है, लोन को कैसे खत्म करेंगे, ये इसका दूर दूर तक मुझे किसी भी एंगल से, किसी भी वर्टिकल में दिखता नहीं है। एंड दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन, मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली से देख के उसको इस तरह से देखता हूँ कि इट मीन्स कि जो हो रहा है ना, उसे होने दिया जा रहा है और भी आगे होने दिया जाएगा। जब तक आपने इस स्लिपरी स्लोप को बहुत ही अच्छे से और तुरंत अरेस्ट नहीं किया, ये आपको रियलाइज भी नहीं होगा। जैसे श्रीलंका को रियलाइज नहीं हुआ ना, कुछ सालों में ही कहां से कहां आ गया, पाकिस्तान को भी शायद रियलाइज नहीं होगा। न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह कोई बड़ी बात नहीं होती है। देर इज अज गैप विच इज कॉल्ड इन मिलिट्री स्ट्रेटेजिक डोमेन द एस्केलेशन मैट्रिक्स। वो एक जवान हाथ से लड़ता है और फिर गोली से लड़ता है, फिर वो स्नाइपर जाता है, फिर वो आर्टिलरी होती है, वहां से लेके आप न्यूक्लियर बॉम्ब तक, इसके बीच में बहुत गैप है। और उसी गैप में हमने देखा उरी के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसी के बाद में हमने देखा कि पुलवामा के बाद में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, और इससे और भी ऊपर जा सकता है। एस्केलेशन मैट्रिक्स में ना बहुत वाइड गैप है। तो न्यूक्लियर वाली चीजें तो बहुत दूर में आएंगी, जब आएंगी तब आएंगी, लेकिन उसके पहले ही काम बहुत ज्यादा तमाम हो सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी हो या फिर इकॉनमी। तो ये रियलाइजेशन मुझे लगता है कि लैकिंग है, विच मस्ट बी फोकस्ड ऑन, एंड ऑब्वियसली मीडिया, सेक्शन ऑफ मीडिया को डू दैट, कि करे कैसे बात, आए कैसे बात, इस पर काम होना शुरू होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मीडिया इस पे बात कर सकता है और बात करता रहता है, लेकिन जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं ये काम उनका है और उनको ही करना भी चाहिए, और इसको जल्द से जल्द इस चीज को उनको हैंडल करना चाहिए, कि हैंडल करने में इनसे कहाँ पे चूक हो रही है ये लोग समझ सकते हैं। मीडिया सिर्फ चीजें हाईलाइट ही कर सकता है, क्योंकि पावर और पॉलिसी मेकर्स तो दूसरे ही लोग होते हैं।